नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। बात करें हम लोग आरजीएस के एग्जाम की, साथ ही साथ एपीओ के एग्जाम की, तो इन दिनों आपकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। आरजीएस की डेट आ चुकी है जिसके आगे जाने की थोड़ी सी संभावना है, बिकॉज ऑफ उस दिन तीन एग्जाम एक साथ है, तो हो सकता है जून में ही एग्जाम हो, बट ज़्यादा आगे नहीं जाएगा जून के। हो सकता है वन वीक वो एक्सटेंड कर दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुका है और अब तो एक्सटेंड होना ही नहीं चाहिए। उल्टा हम लोगों को तो कहना चाहिए हो जाने दीजिए, एक बार आईएएस छोड़ दीजिए, वो तो फिर हो जाएगा, लेकिन आरजीएस अब दो तीन साल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मुझे लगता है एक्सटेंड नहीं कराना चाहिए, जो है उस पर दे देना चाहिए। अब बात करते हैं एपीओ की। एपीओ की देखो वैसे कोई डेट नहीं आई है, एपीओ का कैलेंडर देखेंगे तो वहाँ पे जो है अपने इसका बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि एपीओ का एग्ज़ाम कब होगा, जब आरपीसी का कैलेंडर देखेंगे। लेकिन जैसे कि जेलो भी कैलेंडर में मेंशन नहीं था, फिर भी जेलो सडनली हुआ था, तो ठीक वैसे एपीओ भी कभी भी हो सकता है। तो आप उसके कैलेंडर के भरोसे मत रहिए, ये तो लॉ का प्रोस्पेक्ट है, तो कभी भी करवा सकते हैं। आइए इसी कड़ी में चलते हैं। हम लोगों के यहाँ पे एपीओ की क्लासेस चल रही है प्री प्लस मैन की, तो ये जो रिकॉर्डिंग है उसी क्लास से लाइव है जो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। तो बात करें हम लोग आईपीसी की, आपने मेरा आईपीसी की चैप्टराइजेशन पहले कई बार देखे होंगे और मैंने हमेशा उसको इंग्लिश में लिखा। आज मेरा पूरा चैप्टराइजेशन हिंदी में बोलूंगी मैं दोनों लैंग्वेज में, बट आज मैंने पूरा इसको हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज भी हमारे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही रह गए, अब हिंदी मीडियम भी है हमारे पास। और ये लास्ट, मैं भी जब क्लास में डायग्राम बना रही थी तो अभी स्टूडेंट से यही कही थी कि लास्ट डायग्राम है अब आईपीसी का, बिकॉज अब क्योंकि अब तो चल रहा है हमारा अप्रैल खत्म होने वाला, मई आ गए, जून और जुलाई, जुलाई से नया आ जाएगा। तो बहुत बार बनाए मैंने अपनी लाइफ में पिछले छः सालों की कोचिंग के, इसमें कई बार बनाए हैं, तो आज अच्छा लग रहा है ये लास्ट बार मेरा आईपीसी। तो आइए कहानी सुनाते हैं, कहानी से कैसे आईपीसी को याद कर सकते हैं और उसी कहानी से हम बीएनएस को भी करके दिखाएंगे आगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं आईपीसी 1860 की। तो आईपीसी नाम की एक लड़की थी, अच्छा कुछ भी नाम रख लेते कोई भी, जिसको मेरी क्लास रूममेट हुआ करती थी जयपुर में, उसका नाम था दिनांक, उसके सिस्टर का नाम था तिथि और भाई का नाम था कैलेंडर। तो नाम तो कुछ भी रखे जा सकते हैं, बस अच्छा लगना चाहिए। तो वैसे एक लड़की थी, उसका नाम हमने आईपीसी रख दिया था। तो एक आईपीसी नाम की लड़की थी जो 1860 की जन्म हुआ था और उसने अपने बारे में बताया। तो देखो 1860 में जन्म हुआ था इसलिए उसको चेंज करना पड़ा, हर कोई मरता है, मनुष्य भी मरता है, तो हमारी आईपीसी भी अब इसका डेथ होने वाला है और नया इसका जन्म होने वाला है 1 जुलाई को। जनरली हमें हमारा डेथ और हमारे जन्म पता नहीं होता, लेकिन जिसको पता है कि मेरा डेथ लास्ट रूम है तुम्हारे पास 30 जून तक और 1 जुलाई को मैं फिर से एक नए जन्म के साथ आपके सामने आऊँगी। मेरा एक्ट नंबर 45 है और मुझे लॉर्ड मेकाले के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। एक्ट नंबर 45 का मतलब है 1860 बहुत सारे कानून बने थे, इसका जो सिग्नेचर हुआ था वो 45 मार्क्स नंबर पर हुआ था। देन आता है इसके पास टोटल चैप्टर 23 है, टोटल सेक्शन 511 है, इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। जब आईपीसी बना था तभी होल ऑफ इंडिया में नहीं था, जब 1860 बना था तो जम्मू कश्मीर अलग नहीं था, तो ये होल ऑफ इंडिया में था। फिर जम्मू कश्मीर अलग बना तो फिर एक अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया और नाउ 370 आर्टिकल जो वापस अप्लाई हो गया, तो इसका एक्सटेंड भी जम्मू कश्मीर हो गया। और ये कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019। कमिशमेंट डेट इसकी 1 जनवरी 1962 है और सिग्नेचर इस पर 1860 को हुआ है। तो ये 1862 का है, पहले नहीं पूछी जाती थी सिग्नेचर डेट, लेकिन अब आप देखेंगे एग्जामों में सिग्नेचर डेट भी पूछते हैं और कमिशमेंट डेट भी पूछी जाती है। आइए चैप्टर नंबर 1 कहता है मेरा इंट्रोडक्शन। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, ये भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जनरली आप जब दूसरे कानून पढ़ोगे तो चैप्टर 1 उनका प्रीलिमिनरी होता है, लेकिन इसका नाम इसका इंट्रोडक्शन है जो 1, 2 का 5 है। चैप्टर 2 में ये अपने आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं व्हाट डू मीन डिसऑनेस्टी, तो फिर आप कैसे करोगे। आपको पता ही नहीं कॉमन इंटेंशन क्या होता है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती, विल क्या होती है, एक्ट क्या होता है, ओमिशन, तो उसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि पूरा आईपीसी ही डेफिनेशन क्लोज है। आईपीसी का नाम है इंडियन पिनल कोड, CODE कोड, संहिता, ये एक संहिता है और संहिता बंद किया गया है। ये कोड का मतलब क्या होता है, CODE कोड क्या होता है, तो बोलता कोड वो होता है जो सभी सब्जेक्ट पे बात करता है। और आप देखिएगा आईपीसी भी सारे सब्जेक्ट पे बात करता है। आईपीसी में आपको ह्यूमन बॉडी मिलेगा, आईपीसी में आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, आईपीसी में आपको कोइंस मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, फूड अल्ट्रेशन मिलेगा आईपीसी के अंदर, आईपीसी में आपको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी हुई, मैरिज मिलेगा। तो जो सभी सब्जेक्ट पे बात करता है उसको कोड बोलते हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है ना, सीपीसी है। लेकिन जो सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है, जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी सिर्फ टीपी की बात करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है उसे हम बोलते हैं
एक्ट, और जो सभी सब्जेक्ट पर एक साथ एक जगह पे बात करता है उसको हम कहते हैं कोड, CODE। तो ये पूरा आईपीसी देखा जाए एक सब्सटेंटिव लॉ है। जैसे लॉ दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोसीजर लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। तो ये जो है हमारा, ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है और ये पूरी की पूरी पनिशमेंट को डिफाइन करती है। तो आप देखिएगा पूरा आईपीसी डेफिनेशन से भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इससे अलग से डेफिनेशन नहीं, ओके, जनरल एक्सप्लेनेशन है 6 to 52A। देन ये अपने आपको एक्सप्लेन करेगा, फिर आपको बताएगा पनिशमेंट कि यदि तुमने मेरे एक्सप्लेनेशन को ढंग से नहीं समझा तो मैं दूंगा तुम्हें पनिशमेंट 53 से 75 तक। तो आईपीसी ने आपकी लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगी, फिर उसने कहा चल हट यार, कभी कभी तो इसको माफ भी कर दूंगी। तो दैट इज 76 से 126 एक्सेप्शन। इसके दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कि ए नामक व्यक्ति रस्ते से जा रहा था, उसने देखा कि पानी में कोई डूब रहा हो, डूबने वाले ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, फिर भी ए ने उसको नहीं बचाया। या ए ने कौन सा ऑफेंस किया? या ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मॉरल ड्यूटी है और मॉरल ड्यूटी पनिशेबल नहीं है। एक की इच्छा है तो बचाए, एक की इच्छा नहीं तो नहीं बचाए, जबरदस्ती है। लेकिन अगर ए वही गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो उसका काम ही वो स्विमर है, उनका काम गोताखोर है, उसका काम है लोगों को बचाना, और वो रस्ते से जा रहा था और बचाओ बचाओ की आवाज़ें, फिर भी वो नहीं गया, तो ये उसने ऑफेंस किया है जो आईपीसी में कंसिडर होता है। तो समझ गए, तो मॉरल ड्यूटी पनिशेबल नहीं है बट लीगल ड्यूटी आपकी है, और अगर आप फुलफिल नहीं करते तो पनिशेबल है, इसलिए ये एक्सेप्शन है 76 से 106। इस एक्सेप्शन को जब भी आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते हैं, कहाँ इसका बेनिफिट उठा पाते हैं कि भाई मेरा ये कार्य जो है एक्सेप्शन में आता है कि नहीं, तो कहाँ उठाते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 पर, वहाँ आप इसका बेनिफिट लेते हैं। जिसके अगेंस्ट कोई भी आता है कि भाई आपने ये ऑफेंस किया नहीं, तो आप वहाँ इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देन आता है कॉन्स्पिरेसी। जैसे आईपीसी ने तुम्हें छूट दी कि चल तू कर लेना, तो चल माफ करते हैं, तो जैसे कोई आपको माफी देता है तुरंत प्रभाव से आप क्या करते हो, उसी के अगेंस्ट धावा बोलते हो, तो आप उसका अबेटमेंट करते हो 107 से 120। और जब अबेटमेंट करते हो दोनों मिल जाते हो, जब दो लोग मिल जाते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है चैप्टर 5A है और बीच में जोड़ा गया है, तो अमेंडमेंट लिख दीजिए 1913। तो अभी अपकमिंग जो एग्जाम है आपके RGS का, अपकमिंग जो एग्जाम है आपके APO का, वहाँ भी इसका अमेंडमेंट पूछा जा सकता है 120A से B तक। फिर जब आपने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की तो सबसे पहले आपने स्टेट के अगेंस्ट धावा बोला, तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट 121 से 130। तो आईपीसी नामक लड़के और आप लोगों ने मिलकर क्या किया, स्टेट के अगेंस्ट आपने धावा बोला। तो जब स्टेट के अगेंस्ट आपने ऑफेंस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगी? आर्मी नेवी आएगी, तो आर्मी नेवी इसको प्रोटेक्ट करने आई थी 131 से 140। देखो इसमें भी 10 सेक्शन है और इसमें भी आपके 10 सेक्शन है। जब आप आर्मी नेवी को अपने वो प्रोटेक्ट करना है, तो आपने क्या किया, आपने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, आपने अपना असेंबली बनाया, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को आपने डैमेज पहुंचाया 141 से 160, जिसको हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको अपन? अनलॉफुल असेंबली। जब इस अनलॉफुल असेंबली की बात करती हूं, तो अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए कौन आता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। कैसे पता चला? तो इसके साथ आप लिखिए सेक्शन नंबर 129 से 132। जैसे हमने आपको पकड़ा तो आपने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी, तो ऑफेंस अगेंस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट आ गया 161 से 171, जिसमें आप देखेंगे 161 से 165 रिपील हो चुका है और उसकी जगह करप्शन एक्ट आ चुका है। देन चैप्टर नंबर 9A, जब आपको सारे ऑफेंस कर लिए तो हमने कहा जाओ यहाँ से, तो आपने कहा मैं तो हम तो इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होते नहीं जो ऑफेंडर होते, फिर भी आपने कहा मैं तो इलेक्शन में खड़ी होंगी। तो बीच में एक नया सेक्शन है 1920 का जो कहता है इलेक्शन से रिलेटेड। वैसे तो इलेक्शन से रिलेटेड जैसे पंचायत का इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है ना, JDA का मतलब क्या बोलते हैं टाउन सिटी का इलेक्शन है, MLA के इलेक्शन है, जो भी जिला परिषद के इलेक्शन है, इन सब के अपने रूल्स और रेगुलेशंस भी बने हुए हैं। लेकिन जो आईपीसी में भी एक चैप्टर जो इलेक्शन से है, जा रिश्वत देना लेना, किसी को लालच देना, कोई पुरस्कार देना, पैसे देना वोट के लिए, वो सब ऑफेंस पनिशेबल है 171A से I तक, जो कि जोड़ा गया है 1920 में। ये भी आपका प्री का क्वेश्चन है कि चैप्टर 9A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। देन आता है आपके पास चैप्टर 10 कहता है कि जब आप इलेक्शन में खड़े हो, जबकि आप एक ऑफेंडर थे, आपने अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की थी, और जब आपसे मना किया कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, आपने उस मना के काम का यानी डिसओबे किया, तो पब्लिक सर्वेंट के अनलॉफुल अथॉरिटी का आपने डिसओबे किया यानी उनका कंटेम्प्ट किया 172 से 190। जब आप इस सेक्शन को पढ़ते हो और जब आपका आप पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट करते हो, तो इसका प्रोसीजर है, इसमें FIR दर्ज नहीं होती, कंप्लेंट फाइल होती है, और कहाँ होती पता है? लिखो CRPC सेक्शन नंबर 195। CRP सेक्शन 195 कहते हैं इस पर्पस के लिए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा आपके अगेंस्ट रिटर्न में कंप्लेंट फाइल होगी, और उसका प्रोसीजर क्या कहाँ दिया हुआ पता आपको? CRPC सेक्शन 339 और 340 में कहाँ दिया हुआ है? 340 में दिया हुआ है।
देर आता फिर जब हम आपको पकड़ के ले गए क्योंकि आपने हमारा कंटेम्प्ट किया, तो आपके और आपकी फ्रेंड्स को पकड़ के ले गए, तो आपने फॉल्स एविडेंस दिया, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्या क्या फॉल्स एविडेंस दिया, उसको फैब्रिकेट किया 191 से 229, और इसके लिए भी कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और इसके लिए भी कंप्लेंट कहाँ फाइल होती है, सेक्शन नंबर वही 195 के अंदर, ठीक है, और वही प्रोसीजर इसका भी 340 के अंदर दिया हुआ इसका प्रोसीजर। अब जब हम बात करते हैं फॉल्स एविडेंस देना और फैब्रिकेट करना, पता है ऐसा एक प्रोसीजर सीआरपीसी में भी है, कहाँ पे दिया हुआ सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 344, तो इन 344 इसमें डिफरेंस क्या हुआ, वो भी कहता है फॉल्स एविडेंस देना फैब्रिकेट करना, उसके लिए समरी ट्रायल होती है, सजा भी बहुत कम होती है, वही लिखी हुई है 3 माह की सजा, 500 रुपये जुर्माना, और यहाँ पे जब करते हो तो 7 ईयर्स की पनिशमेंट, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बेस्ट चलाती है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते फिर आता है चैप्टर नंबर 12, तो आप सबको पकड़ के अंदर डाल दिए, यानी आपकी फ्रेंड और आप अंदर चले गए, वहाँ बैठे बैठे आपकी फ्रेंड जो आईपीसी नाम की लड़की थी वो कहानी सुनाती है, 12वीं में जब मैं पढ़ती थी तो मेरा सिक्का चलता था, सिक्का चला है 230 से 263A तक, और जब वो 13वीं आई तो बांट दी, ये बांट लिखा ना, बांटो मेजर्स बांट दिए, ऐसा तो ये वे टू मेजर्स है, लेकिन कहानी से वो बारी में उसने घुट क्या बोलते सिक्का चलता था 13वीं माह के उसने लोगों को बांट दिए। इस वे टू मेजर्स की मैं बात करती हूँ, तो इसका भी प्रोसेसर सीआरपीसी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 153 में, ठीक है, और ये गवर्नमेंट स्टेम और इसके रिलेटेड भी, जब आप इसका ऑफेंस करते हैं प्रीवियस कन्विक्शन होता है, तो जब आपका प्रीवियस कन्विक्शन होता है इन मैटर से, तो दोबारा आपकी ट्रायल कौन करता है, पता है आपको, दोबारा आपकी ट्रायल करता है आपके सेशन कोर्ट करता है, और दोबारा आपकी ट्रायल जो है आपके क्या बोलते हैं सीजीएम करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई पता है आपको, ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 324 सीआरपीसी में, देखिएगा उसमें, तो वहाँ पे ट्रायल, क्योंकि जब आप प्रीवियस कन्विक्शन करते हैं चैप्टर नंबर 12 में पहले से ऑफेंस है, पनिशमेंट हो चुका है, फिर आप वापस ऑफेंस करते हैं तो उसको प्रीवियस कन्विक्शन करते हैं, जिसके लिए आपको आईपीसी के सेक्शन 75 में इनहेंस पनिशमेंट मिलती है। इस एनहेंस पनिशमेंट को देने के लिए प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, सीआरपीसी के सेक्शन 324 में, और कौन ट्रायल करेगा, या तो सीजे या कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। तो 12वीं में आपका सिक्का चला था, 13वीं में आके उसको बांट दिए, अब सिक्के तो बांट दिए, अब क्या करेंगे, सिक्के बांटते हो गया, क्योंकि सिक्के किसने बांटे आप लोगों ने, तो सिक्के खोटे थे, ओरिजिनल सिक्के कौन बांटेगा, तो खोटे सिक्के बांटते अफरा तफरी मच जाती है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस करना, और ये पब्लिक न्यूसेंस कहाँ का डैमेज करता है, पब्लिक हेल्थ को, शेम को, सुविधा को, शिष्टता को, सदाचार को, 5 चीज़ें हैं, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, एनोय, डिसेंसी, ठीक है, और मोरालिटी, इन 5 को आपने डैमेज किया 268 से 294A। जब हम पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं तो ये पब्लिक न्यूसेंस बहुत कॉमन है, ये आपको आईपीसी में मिलेगा, सीआरपीसी में मिलेगा, सीपीसी में और टॉट में भी मिलेगा। तो भैया आपके सीआरपीसी में कहाँ दिया हुआ है, तो सीआरपीसी में आपका पब्लिक न्यूसेंस कहाँ दिया गया है, तो बोला 133 में दिया हुआ है, तो आपकी सीपीसी में कहाँ दिया हुआ है, 91 में दिया गया, और कहाँ पर है, टॉट में दिया हुआ है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जब आप सीपीसी का पढ़ेंगे और जब आप टॉट का पढ़ेंगे, तो सीपीसी और टॉट इज अ सिविल नेचर, वहाँ पे आपको पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस दोनों देखेंगे, बट आईपीसी और सीआरपीसी इज अ क्रिमिनल नेचर, और यहाँ पे सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस की बात होती है, प्राइवेट न्यूसेंस की बात नहीं होती है। देन आता है आपके पास ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, हमारे यहाँ तो कोई भी लड़ाई हो पहले रिलीजन आ जाता है, धर्म के नाम पे तो झगड़ा तो होते ही होते मर्डर तक कर देते हैं, तो धर्म से संबंधित 295 से 298 तक है, और यहाँ से आपका झगड़ा स्रोत और ये जाता है ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट डालता है 299 से 377, जहाँ पे आप कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं, मर्डर पढ़ते हैं, मिसकैरेज पढ़ते हैं, हर्ट पढ़ते हैं, ग्रीवियस हर्ट पढ़ते हैं, रेस्ट्रेंट पढ़ते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे आप असोल्ट पढ़ते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्परेंस क्रिमिनल फोर्स पढ़ते हैं और फोर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे आप मोडेस्टी पढ़ेंगे, वहाँ पे किडनेपिंग होगी, अबडक्शन होगे, एंड आपके पास आते हैं आपके रेप होगा, अननेचुरल ऑफेंसेज होंगे, ये सारे के सारे जो ऑफेंसेज है वो आप इस चैप्टर 16 पढ़ते, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी लगता है मैं इतनी बड़ी आईपीसी कब पढ़ूँ, तो आप एक काम क्या करो, सबसे पहले चैप्टर 4 पढ़ लो एक्सेप्शन, वो पढ़ के देन आप चैप्टर 16 पढ़ लो और 17 पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, तो इससे आपको 80% आईपीसी आपकी क्लियर हो जाती है, फिर 20% चलता रहता है, फिर ऑफेंस जब ह्यूमन बॉडी को क्या सब मर गए, तो बच्ची क्या प्रॉपर्टी, चलो चलो उसको भी ले लेते हैं, तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से 462 में दिया गया। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, आप चोरी करेंगे, एक्सटोर्शन करेंगे, आप रॉबरी करेंगे, यहाँ पे रॉबरी करने के बाद आप क्या बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे, स्टोलन प्रॉपर्टी होंगी, फिर उसकी चीटिंग करेंगे, फिर आप उसका क्या बोलेंगे मिसचीफ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे, सारे के सारे ऑफेंसेस आप पढ़ेंगे 378 से 462 में। जब आपने प्रॉपर्टी ले ली, अब क्या करोगे, सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराओगे, तो डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो आप करोगे फोर्जरी करोगे, तो डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स चेंज होंगे 463 से 489E,
फिर ये सब किसके साथ किया आप लोगों ने, जिसने आपको सेवाएं दी, आप लोगों ने सेवाओं को ब्रिज किया 490 से लेके 492। अब सब कुछ हो गया, अब बचा क्या, जीवन में सारे कांड कर लिए, एक बाकी रह गया, आइए शादी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 कहता है कि एक ऐसा लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो भी पछताए, तो आइए शादी कर लेते हैं। 493 से 498 तक हमने विवाह की जो ऑफेंस रिलेटेड ऑफेंसेस है, इसके अंदर भी जब आप करते हैं बाइगेमी होती है या कोई भी ऐसा सेक्शन है इसमें जहां आप ऑफेंस कमिट होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस चैप्टर में जो भी ऑफेंस कमिट होती है उसकी सिर्फ कंप्लेंट फाइल होती है, और ये बात कहां लिखी हुई है, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 198 में। जब शादी करते हैं तो शादी का एक्सटेंड क्या होता है, आपको पता, हमेशा शादी का एक्सटेंड हमेशा क्रुएल्टी होती है, ना करोगे शादी ना होगी क्रुएल्टी, और करोगे शादी तो क्रुएल्टी होगी होगी। हाँ, जमाना बदल गया, पहले महिलाओं के साथ क्रुएल्टी होती थी, अब थोड़ा सा जमाना बदल गया, अब पुरुषों के साथ क्रुएल्टी होती है, लेकिन जमाना बदला है, कानून नहीं बदला है। कानून में आज भी पुरुषों के साथ क्रुएल्टी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये 498A है, और देन इसके अंदर आप एफआईआर भी दर्ज कर सकते हो, कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। कहाँ लिखा हुआ ये, सीआरपीसी। मैं बार बार सीआरपीसी को क्यों लिखा रही हूँ पता है, क्योंकि आईपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, और आईपीसी का प्रोसीजर सीआरपीसी में होता है, और सीआरपीसी में कहाँ होता है ये बताता है ये प्रोविजंस, ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिखाती हूँ। और वैसे क्लियर लिखा हुआ है सीआरपीसी में, क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन नंबर 1, और दोनों ने क्लियर कर रखा है कि हम यहाँ आए आईपीसी की ट्रायल करने के लिए और बाकी जितने भी छोटे मोटे क्रिमिनल जो हैं लॉज उनकी ट्रायल करने के लिए, इसलिए बार बार सीआरपीसी बताना पड़ रहा है। और देन आता है जब क्रुएल्टी होती है तो क्या लगता है महिला को, मेरी तो डिफेमेशन हो गई, तो वो क्या करती है चैप्टर 21 में डिफेमेशन का केस लगाती है 499 से लेकर 502 तक। जैसे आप किसी की डिफेमेशन करते हो तो वो बच्चा वो क्या कर देता है, वो एकदम ना वो क्या बोलते हैं उसको, कहाँ चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो हमारी लोकल लैंग्वेज में डिप्रेशन वर्ड है ना, वो ही कानून के लैंग्वेज में क्रिमिनल क्या बोलते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनओई, वो एनओई हो जाता है और वो इंसल्ट फील करता है। तो दो वर्ड आते हैं एनओई इंसल्ट, तो इसमें तीन वर्ड है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना है जैसे पर्सन को एनओई होता है, और देन वो अपने आप की इंसल्ट फील करता है 503 से 510, और वो आपको आता है मारने के लिए, तो वो आपका करता है अटेम्प्ट 511। तो ये छोटा सा चैप्टराइजेशन है, सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी कानून पढ़ते हो उसका चैप्टराइजेशन करो। जब आप चैप्टराइजेशन करते हो तो आधी चीज़ें वैसे आपको समझ में आ जाती है, वो कानून कहना क्या चाहता है, फिर समझो कि वो कौन सा कानून है, वो सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजर लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि क्या करता है, तो कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो राइट्स को, ड्यूटीज़ को, लाइबिलिटीज़ को और डेफिनेशन को डिफाइन करता है। तो प्रोसीजर लॉ क्या होता है, तो सब्सटेंटिव लॉ जो होता है उनको एनफोर्स करने के लिए जो लॉ बनता है उसको प्रोसीजर लॉ कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ कौन होते हैं, तो आपको लगता है जो एक्ट लिखे होते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट, जो एक्ट वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है, जो कोड होते हैं ऐसा भी नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो डेफिनेशन, राइट्स, लाइबिलिटी को डिफाइन करता है, प्रोसीजर लॉ होते हैं जो उनको एनफोर्स करवाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस है, देखो दो तीन चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको पता होनी चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट। पहला आता है एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है ना, दूसरा आता है सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा एक्ट वो होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है, और कोड वो होता है जो सारे सब्जेक्ट की एक साथ बात करता है। ठीक वैसे आपके पास आता है सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो डिफाइन करता है, और प्रोसीजर लॉ वो होता है जो उनको एनफोर्स करता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, कंपाउंडेबल क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्या है, बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, इन सब की चीज़ों के आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में वही सब चलता है, इतना बड़ा कानून नहीं चलता है। तो इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के बाद फाउंडेशन बैच अवेलेबल इंडिया के सारे स्टेट के, यस मैं हर स्टेट के लॉकल एक्ट भी पढ़ाती हूँ, मेजर एक्ट भी पढ़ाती हूँ, माइनर पढ़ाती हूँ। जैसे मैं यूपी की बात करती हूँ तो यूपी के अंदर जो 6 मेजर लॉकल एक्ट है मैं वो भी पढ़ाती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की बात करती हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की बात करती हूँ, मैं सिविल और क्रिमिनल रूल्स भी पढ़ाती हूँ। यानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, ये सब तो कॉमन है, ये तो चुप चलते ही है, लेकिन जो आपके लोकल एक्ट होता है जो माइनर वो भी पढ़ाती हूँ, प्लस राजस्थान जुडिशी में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, और जल्द ही आपको मिलेगा हरियाणा जुडिशी की हिंदी इंग्लिश भी आपके यहीं अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, जीके जीएस नहीं पढ़ाती ना, क्योंकि अकेले पढ़ाना होता है तो जीके जीएस के लिए इतना समय ही नहीं मिल पाता है। सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस चलती है विद रिकॉर्डिंग लेक्चर है। अभी हाल ही में हम लोगों के पास एपीओ के प्री प्लस मैन के बैचेस चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्या गारंटी है कि सबका आरजीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ना,
लेकिन आपके पास 200 प्लस आरजेएस है और 180 प्लस आपके पास एपीयू है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तो दोनों की प्रिपरेशन आपको पहले करनी चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक नौकरी मिल जाए, दोनों मिल जाए सोने पे सुहागा, एक ज्वाइन कर लेना, बट दोनों में से एक तो चाहिए चाहिए। तो इसी कड़ी में हमारे पास एपीयू के प्री प्लस मेन के बैचेस अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एपीयू के हमारे पास रैपिड रिवीजन कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। एपीयू के हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। एपीयू के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। और आसान जुडिशियरी के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हर एक कोर्स के बारे में बताया गया, उनके फीस स्ट्रक्चर के साथ, उनके ड्यूरेशन के साथ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस वैसे राजस्थान जोधपुर में एस्टैब्लिश्ड हैं, बट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि जो जितना भी वीडियो बनाए ऑनलाइन के साथ ही बनाए, मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो दोनों साथ ही चलता है। आप घर बैठ के भी आपको ऐसा लगेगा आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।